बिहार विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में जो नेता हैं वो लगातार चुनावी जनसभा को तो संबोधित कर ही रहे हैं। इस बीच लौरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर हमला बोला है। नड्डा ने कहा कि जंगल राज वाले आज बिहार की जनता से बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। पहले बिहार की जनता को जवाब दो कि तुम्हारे कार्यकाल में 25 से 30 लाख बिहार से पलायन क्यों कर गया। साकार करके दिखाता है, इसको हमको आपको बताना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, विकास की कहानी अगर मैं बिहार के बारे में कहूँ और जंगल राज की कहानी के बारे में कहूँ, कई लोग मेरे से पत्रकार पूछते हैं, भाई आप जंगल राज क्यों करते हो। मैंने कहा मैं इसलिए करता हूँ कि आपके ही बगल के जिला था सीवान, आपको मालूम है ना कि यहां से लेकर के सीवान तक कोई भी 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। मैं ठीक बोल रहा हूं? आपने सुना था ना शहाबुद्दीन का नाम, आपने सुना था ना कि आज का डीजीपी, ये डीजीपी कप्तान था सीवान का, एसपी था, 30 किलोमीटर भाग करके थाने में अपनी जान बचाई थी शहाबुद्दीन से, ये कहानी, और गोली मारी गई थी। गोपालगंज का दलित डीएम कृष्णैया, वो दलित डीएम को भी गाड़ी से निकाल करके, वो पत्ता जा रहा था, गोपालगंज से निकला था, वो पत्ता जा रहा था, उसको गाड़ी से निकाल करके जिंदे मार दिया गया था, ये डीएम का हाल हुआ था। और किसका राज था? लालू प्रसाद यादव का राज था। किसका राज था? जंगल राज था। किसका राज था? लाठी पिलैयन डंडा भांजियन। किसका राज था? यही जंगल राज था जिसके कारण ये हुआ।